प्यारे बच्चों, क्लास 1 से 12 तक का वीकली टेस्ट जेसीईआरटी द्वारा शुरू कर दिया गया है और आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन का प्रारूप है, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका 16 रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा, अति लघुतरीय प्रश्न 2 अंक का रहेगा, लघुतरीय प्रश्न 3 अंक का रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 5 अंक का निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। तो यहाँ पर जो इस बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था वो थोड़ा उल्टा दे दिया है, सभी क्लास का प्रीवियस ईयर क्लास का सिलेबस से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था पहला क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कि किस निर्देशांक को आदर्श निर्देशांक कहा जाता है, तो आदर्श निर्देशांक जो है वो फीसर के निर्देशांक को हम लोग आदर्श निर्देशांक कहते हैं, इसलिए पहला का ए हो जाएगा। दूसरा है कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, कोटि सहसंबंध को हम लोग स्पेयरमैन का सहसंबंध भी कहते हैं, इसको रैंक सहसंबंध भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्पेयरमैन। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो योजना आयोग जो है उसका अब नाम हो गया है नीति आयोग, तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था और ये कार्य प्रारंभ 1951 से किया। जो पंचवर्षीय योजना देश में चलती है वो योजना आयोग द्वारा ही निर्धारित होती है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में कौन मानव पूंजी नहीं है, तो मानव पूंजी कौन नहीं है, तो कंप्यूटर जो है आपका मानव पूंजी नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो आपका 1975 को हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सार्क का गठन कब हुआ था, तो सार्क का जो गठन है वो आपका हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। अगला क्वेश्चन है सहसंबंध का मान सदैव होता है, तो सहसंबंध का मान जो है सदैव -1 से +1 के बीच होता है, इसलिए आपका 7वां का बी हो जाएगा। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको रैग्नर फ्रिस ने दिया था, इनका पूरा नाम है रैग्नर फ्रिस, 8वां का आपका डी हो जाएगा। 9वां है इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है, तो शिशु मृत्यु दर है वो स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है आपका दादा भाई नौरोजी है, तो 10वां का ए हो जाएगा। अब यहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया था 11वां नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो जब किसी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता व इच्छा होने के बावजूद भी उसे काम नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है और उसकी इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनरेगा क्या है, तो मनरेगा का पूरा अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून होता है, इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका सुनिश्चित कराना है। मतलब ये एक कानून है जिसके तहत एक परिवार को कम से कम हमको 100 दिन का काम उस परिवार के एक सदस्य को देना ही देना है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देना पड़ सकता है। अगला है शॉर्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निरपेक्ष व सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित कीजिए, तो जब कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है इस स्थिति को पूर्ण गरीबी कहा जाता है या फिर हम इसको निरपेक्ष निर्धनता कह सकते हैं। सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आय का समानता और वितरण या दो राष्ट्रों या समाजों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। मतलब कि आपका सापेक्षिक निर्धनता में तुलना किया जाता है, आय का वितरण देखा जाता है, जबकि निरपेक्ष निर्धनता में उपभोग पर ध्यान दिया, कैलोरी कितना यूज कर रहा है, उपभोग कितना कर रहा है, इस स्थिति से इसकी तुलना की जाती है।
फिर है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन थे। तो हरित क्रांति का संबंध सन 1960 के दशक में भारतीय कृषि में उत्पादन में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन से है। इस क्रांति के प्रमुख उत्तरदायी कारक थे उन्नत किस्म के बीजों, मतलब यहाँ हो जाएगा HYV, यहाँ H हो जाएगा बच्चों HYV, रासायनिक उर्वरक और मशीनें। ये भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में है नॉर्लॉन्ग बोरलॉन्ग। 15 नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग से, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को सविस्तार बताएं। तो भारतीय कृषि प्रमुख समस्या जिसमें है प्राकृतिक समस्याएं, जिसमें आपका आ जाता है वर्षा की अनिश्चितता, मतलब पानी है सो लगातार नहीं पड़ता, जिसके कारण कभी सूखा हो जाता है कभी बाढ़ आ जाता है जिससे फसल की बर्बादी होती है। दूसरा है भूमि क्षरण, मतलब भूमि क्षरण मतलब होता है भूमि में उर्वरा शक्ति घटता है या उसका क्षरण होता है। फिर है तकनीकी समस्या जिसमें हो जाता है अच्छे बीजों की कमी, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। तीसरा है संस्थागत समस्याएं, मतलब पुरानी जो समस्या चलती आ रही है। तो ये है दोषपूर्ण भूमि प्रतिधारण प्रणाली और भूमि का उपविभाजन और विखंडन। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आया था, LPG पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना करें। तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसे हम LPG नीति के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की कमियों को दूर करके उसे विश्व पटल पर और प्रतियोगी व मजबूत बनाना था। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित है, पहला है L, इसका अर्थ है सरकार द्वारा अपनी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक नीति पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील देना। फिर है P, इसमें किसी सार्वजनिक या सरकारी एजेंसी के स्वामित्व प्रबंध और नियंत्रण को निजी हाथों को देना शामिल है। और G में है, इसका अर्थ पूंजी श्रम तकनीक और उत्पादन का विभिन्न देशों के बीच मुक्त प्रवाह से है। तो ये आपके क्लास 12th इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो इस वीकली टेस्ट में आए थे, इसका आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th इतिहास के प्रश्नों को भी देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि निःशुल्क आपको इसमें तैयारी बोर्ड परीक्षा की कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।